भानु अथैया, जिनके नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी टूट नहीं पाएगा। अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो उसे जीतना आज भी कई भारतीय कलाकारों का सपना रहता है, लेकिन ये अवार्ड भारत के लिए पहली बार एक महिला ने जीता था। आपको बता देती हूं कि ऑस्कर जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली भानु अथैया का पूरा नाम भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय था। भानु अथैया फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जानी जाती थी और भानु को ये अवार्ड साल 1983 में फिल्म गांधी के लिए मिला था। भानु ने ये अवार्ड ब्रिटिश डिजाइनर जॉन मोलो के साथ शेयर किया था। हालांकि उन्हें अवार्ड मिलने पर हॉलीवुड में काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भानु ने 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। भानु ने आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश के लिए काम किया था। साल 2020 में 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।